बंदे ने यार ये समझा समझा के बंदा थक गया मैं इस बंदे को ना, नहीं ये मानेगा, समझ के ही नहीं दे रहा यार। ये नहीं मानेगा। अच्छा भाई इसका जो है ना ये, ओए ओए अरे क्या कर शुरू कर रहे दिया। हैं, कितनी रह गई बाकी, कब होगी भाई? बस इंशाल्लाह 2-3 दिन। भाई क्यों हाथ दर्द हो गया यार, इतना भारी हैंडल रखेगा कोई? मैं सीधी बोलो, मेहनत नहीं हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग कैटल पाकिस्तान। भाई आज काफ़ी दिन बाद जो अपडेट दे रहा है फार्म की, और अपडेट यह है कि अभी बोरियां लगाने जो है स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि मौसम रात को जो है यहाँ पर ठंडी होने लग गई है। बाकी कुछ जानवरों की डिवॉर्मिंग की हुई है आज, तो उसका भी आपको रिपोर्ट देते हैं किसकी की हुई है। कंटिन्यू करते हैं, अंदर देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा भाई रिपोर्ट यह है कि इसको जो है वो खस्सी करवा दिया था, आपको पता है पंच करवा दिया था इसको। अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ा बिल्कुल सेट है, आज तीसरा दिन है इसको पंच हुए हुए, और बछड़े में कोई जो है वो परेशानी नहीं आई है, यानी कि सॉइलिंग वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हुई है। और यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट चल रहा है बछड़ा। बाकी ये बोरियाँ जो है वो इन्होंने लगाना शुरू कर दिया हैं, कितनी रह गई बाकी, कब होगी भाई? बस इंशाल्लाह 2-3 दिन में पैक हो जाएगा। 2-3 दिन में पैक हो जाएगा, सही। रात में तो ठंडी है, उस दिन थी, उस दिन जब आंधी आई थी उस दिन हुई थी। है अभी भी हवा ठंडी है भाई। चलो ये तो मौसम ऊपर हल्का फुल्का ऐसे चलता रहेगा, अभी 15 दिन है अभी सर्दी आने में कम से कम। नहीं, भी नहीं सर्दी आ जाती थी 11 महीने। अरे क्या हो गया, 15-20 दिन है अभी भी। नहीं, बाकी भाई ये न्यू एंट्री हुई थी बकरी की, और बाकी जो है वो ये लॉन्ग टेल शीप भी बाकी। इसके लिए यार बहुत रब्ता किया था लोगों ने इस बकरे के लिए, बकरा अवेलेबल नहीं है भाई। ये बकरा जो है वो ब्रीडिंग पर्पस या शौक के लिए लिया, ये अवेलेबल नहीं है अभी। शोर मचा रहे हैं भाई, ये जब से ये आए ना बहुत शोर मचाने लग गए हैं बकरे। होए होए अंदर तो तफरियां करने में लगे हैं बकरों के साथ। बाकी हमारा कमांडो डिहॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो है वो हो चुकी है, आपने देखा होगा सही हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, अब जाओ सेट है बिल्कुल। बाकी जो है वो इसके अलावा ये नई एंट्री जो हुई थी इसका हमने नाम जो है वो रख दिया है भाई, और जिनकी है उन्होंने ही जो है वो रख दिया है। बता रहे हैं बोल रहे यार इसको, मैंने पूछा था क्या बोलते थे, कुछ बोलते थे इसको तो बोलते हैं हसीना बोलते थे यार इसको हम, तो मैंने कहा चलो हसीना ही रख देते हैं नाम। और माशाल्लाह से अभी जो है वो दो दांत होएगी, ये अभी हुई नहीं है, तकरीबन जो है वो 1-1.5 महीने लगेगा इसको दांत निकालने में, हिला रही है बस ये दांत ना। बाकी इसके अलावा यार ये सुरमई जो बछड़ी है भाई ये अवेलेबल है फोर सेल के लिए, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि अगर कोई ख़रीदार इसका आता है तो लेके पलवाए हमारे पास, क्योंकि बहुत अच्छी पलरी है तो ये सब्सक्राइबर की, लेकिन उन्होंने बोला वकास भाई इसको जो है वो ट्रेड के ऊपर लगा दिएगा। और यह है कि अगर जो है वो कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाए जो कि पलवाए भी आपके पास, तो उसको मुनासिब कर दिएगा। तो बाकी देख लें आप लोग अगर आपका जो है वो इरादा हो, क्योंकि अभी सिर्फ़ और सिर्फ 14 महीने की बछड़ी है। और बाकी भाई सुनाओ अपडेट, अल्लाह का शुक्र सेट है जहाँ सारे जानवर, फर्स्ट क्लास चल रहा है मामला। बाकी ये है कि लाल बछड़े की भी जो बच्चा आया था लाल बादशाह इसका नाम रखा है, कल इसके भी सींगें बन जाएगी, थोड़े से डूढ़े हैं वो भी निकल जाएंगे, ताकि आगे जाके सर्दी में कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी टाइम है तो निकलवा देते हैं। सही, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है। क्या सीने दिशांत भाई सुना ये जो है वो यासिर भाई ने जो है फार्म वार्म खोल लिया भाई अपना, तो क्या बताया? ये फॉर्म खोल लिया, कल उनका फोन भी आया था, कहने लगा दिशांत भाई बछड़े शिफ्ट करने हैं, मोना का मोस्ट वेलकम, जब दिल चाहे आप शिफ्ट कर लें। तो ये है कि भाई अब धनी हमारे पास से चले जाएंगे, अब ये उनके अपने फॉर्म पे पलेंगे, वो तो खैर उनके फार्म पे जाके वीडियो बना लेंगे। बाकी बताने का मकसद ये भाई कि ये जो है उनका फार्म हो गया अब यासिर भाई का, शायद पहले ही मैंने वीडियो में बताया था, तो ये बछड़े जो है उनके फार्म अपने जाती फार्म जो है चले जाएंगे। उन्होंने ही जो है वो फार्म खोला है, पुराने वाले जो उनके दो धनी हैं और छोटे वाले वो भी उनके फार्म आ चुके हैं, तो अन करीब बस ये भी है कि ये भी चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यार तुम भी जब कहीं पर जब पलवा रहे होगे अपना फार्म करने के बाद, कहीं और थोड़ी पलवाओगे क्यों भाई? ऐसे ही भाई ऐसे ही। और भाई ये गाय बच्चा भी फोर सेल है, हैं जी भाई, जिसकी समझ में आए वो रब्ता कर लिएगा। ये तो पहले से ही हमने बोला हुआ था, ये तो खैर ये तो जब आया था उन्होंने नहीं थी अभी तक वीडियो में दिखाई नहीं है, बोला जरूर था दिखाई नहीं थी अभी, क्योंकि आप गाय बच्चे गाय की वीडियो मांग रहे थे, तकरीबन ये खल में 4 दांत है, इसके दांत अभी देखे नहीं है। फिलहाल इतना बता दूँ, ये इसका दूसरा भी सुआ था,
सही। और ये गाय फॉर सेल है और उसके साथ ये बच्ची है भाई, बच्ची भी दिखा दो। बच्ची ने हाइट कर ली है माशाल्लाह से, बच्ची ने हाइट कर ली है और तकरीबन 2 महीने की बच्ची है ये ना। और ये देख ले माशाल्लाह, लेंथ वाली बनेगी इंशाल्लाह, लेंथ बढ़ा रही है, लेंथ झालर वालर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। ओए ओए अब माशाल्लाह रूम बढ़ा दिए, ये सही है। जिसको भी समझ में पसंद आए तो आके विजिट करे, लाइफ आके देखे, जो भी होगा खैर वो कर लेंगे। बाकी भाई ये क्या क्या कर दिया इन्होंने, क्या कांड कर दिया इस बंदे ने, समझा के थक गया मैं इस बंदे को ना, ये समझ के ही नहीं दे रहा यार। ये नहीं मानेगा है यार, हद होती है यार, क्या कर दिया यार ये तुमने। यार ये विशाल मैंने मुझे रक्षा दिलाया, वो रक्षा सही चला ही नहीं, अबे यार बड़ा चलाया लेकिन नहीं चला, फिर रक्षा बेच के हमने दुम्बा ले लिया। ये क्या बात हुई यार, दिहाड़ी लग रही है तुम्हारी अच्छी खासी, अब तुमने रक्षा भी बेच दिया यार। चला विशाल भाई क्यों खाता रहेगा और निकालता रहेगा, क्या कमा के देगा ये तुम्हें अभी। यार हर चीज कमाने के लिए नहीं होती यार, कुछ चीजें शौक के लिए भी होती है भाई, बताओ निशान भाई। जी जी सही फरमा रहा है, गाय बच्चा भी शौक के लिए लिया था। और क्या, तो ये क्या ले लिया, सुडानी लिया? ये सुडानी दुम्बाई, ये ईरान से मंगवाया है। ब्रीड कराओगे? नहीं निशान भाई, ये भी फॉर सेल है। अच्छा तैयार करोगे? तैयार करेंगे इसको खुद ही अपने पास, अभी भी कोई लेना चाहे शौक करना चाहे तो दे देंगे। ये देखो ये आगे कारोबारी बंदा ही है, शौक की बातें कर रहा है, देखो आगे लाइन के ऊपर ये बंदा। हमारा शौक क्या है निशान भाई, लेना भाई, कहने का मकसद है सब बेच दो, सब सब बिकता है, सब बिकता है। तो भाई सुडानी भी बेच रहे हो? सुडानी भी इतना मासूम सा नहीं बेच रहे, रख लेंगे। क्या डिमांड क्या कर रहे हो? डिमांड तो बहुत मुनासिब होती है हमारी, पहले बच्चा ही बेचा वो भी बहुत मुनासिब बेचा, ये भी बहुत मुनासिब देंगे। फ़ोन कर लीजिएगा दिशान भाई को, जिसको भी इसकी डिमांड पूछनी हो, जो इंटरेस्टेड हो, देख लें पहले क्या है। दिखाओ भाई क्या चीज़ है भाई, दिखाओ दिखाओ, नीचे बैठ के दिखाना पड़ेगा इनको। तो देखो भाई ये देखें, ये माशाल्लाह ये देखें, ये देखें इसको। मान भाई थोड़ा भगा के तो दिखाओ यार, थोड़ा यार ये बहुत तेज भागता है यार। इसकी गल्ली ऐसे करो, ऐसे दिखेगी नीचे से, नीचे से नीचे ऐसे ऊपर लाओ, ऊपर लाओ नीचे से ऐसे दिखती है। ओए होए तुम सही व्यापारी हो ना, सही से दिखा रहे हो, हमें दिखा नहीं। माज भाई इसको ग्राउंड तो लगाओ सामने से, भगा दो, रनिंग शॉट लेना है, छोड़ दो सामने ले आओ इसको। खीरा है बच्चा अभी, ये जो है वो 7-8 महीने का बच्चा है। मोटा होगा? हां बहुत मोटा होगा। चलो भगाओ, आओ वहां ले जाओ इसको वहां। यार ये कभी खा के नहीं देखे माज भाई, यार कुछ क्या करोगे बेच के तुम। चलो रनिंग शॉट, रनिंग शॉट, रनिंग शॉट, छोड़ दो इसके गले में रस्सी। ये चीज भगाओ 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 भगाओ। अबे देखो ऐसे भागता है। अबे इसको मक्खन भी खिलाओ फिर भागेगा ये। सारा मक्खन की तुम ही खा रहे हो मार भाई, इसको भी कुछ खिलाओ। भाई आपके पास है, आप खिलाओ, मैं क्या खिलाऊंगा। भाई वैसे एक आपस की बात है यार, हमने जो है ना ये कभी खाया नहीं है, कैसा होता है इसका गोश्त वगैरह, टेस्ट कैसा होता है निशान भाई, क्या करेंगे माज भाई बेच के। शौक की हद तक है, बाकी इसका गोश्त इतना खास नहीं होता। नहीं नहीं चावल भी नहीं, नहीं 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 चावल इसका गोश्त अच्छा होता ही नहीं। अबे यार बात सुनो, हमने तुमसे जान सुनानी थी, पहले तुम्हारा गाय बच्चा भी गया, रक्षा भी गया, चलो रोजी करोगे तुम, रक्षा बेच के तुम भरी है तुम बकरे बकरियां तो और लेंगे। बछड़ा बछड़िया नहीं लाना, बाकी सब चीजें ले आना, क्योंकि हमारे सर में दर्द हो जाएगा। चले भाई ये थी आज की छोटी सी अपडेट, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, नमाज का टाइम हो रहा है, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।